Hi everyone, I am Abha and you are watching Happy Mommy Vlogs. तो कल के व्लॉग में आपने देखा कि हम गए थे हॉस्पिटल, अनविका का वैक्सीनेशन होना था 1.5 मंथ्स वाला, यानी 45 डेज पे जो वैक्सीनेशन होता है डिलीवरी के बाद। ऑल्सो उसे एक दिन मोशन भी नहीं आया था एंड कफ भी हो गया था, तो वो भी हमें दिखाना था डॉक्टर को। तो फाइनली ये हो गया। एक महीना कैसे बीत गया और अब ये दूसरा महीना भी शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, तो कल था चिकू का वैक्सीनेशन, अच्छे से हो गया और टचवुड की चिकू ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और परेशान नहीं हुई। थोड़ा बहुत तो बच्चे क्रैंकी होते हैं नॉर्मली भी, तो वो नॉर्मल ही था उसका और हमें आइस पैक वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सिर्फ एक बार पैरासीटामोल दिया था इवनिंग में एंड देन अभी मॉर्निंग में दिया उससे, क्योंकि जब मॉर्निंग में मैं उसे फीड कराने के लिए उठाई तो थोड़ी सी गर्म फील हो रही थी वो, तो मैंने मॉर्निंग में वापस से उसको फीड कराने के एक डेढ़ घंटे बाद दिया मैंने ये मेडिसिन, तो ये आधे घंटे बाद फीड करा दी थी उसे। तो अभी वो सोई है, नाना के पास में है, अभी सुबह हो गई और अभी का ये अपडेट है। थोड़ी सी क्रैंकी थी, फिर ठीक हो गई थी अपने आप ही और अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका। हैप्पी भी, एक्टिव भी है, बेबी एक्टिव है, तो फिर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं इस चीज़ का। यही सब हमें मेजर करना था और बहुत ज़्यादा उसे मुझे नहीं लग रहा है कि पेन ऐसा बहुत ज़्यादा फील हो रहा है पैरों में। थोड़ा बहुत पैर फेंकती है तो शायद उसे लगता होगा, तो वो रोने लगती है ऐसा। तो हमने उसे पैंट वगैरह नहीं पहनाया है, सिर्फ टॉप पहना के रखा था और उसका जो बेबी नेस्ट है उसमें डाल के रखा था, उसकी क्रिप के मैट्रेस में डाल दिया था और फिर ब्लैंकेट डाल करके हमने उसे सुलाया रात को। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी तो पैसिफायर देना पड़ा उसे सुलाने में, क्योंकि मे बी शी वॉज एक्सपेक्टिंग मदर्स टच। तो पूरा रात भर तो पॉसिबल नहीं था, काफ़ी टाइम तक मैंने उसे लैप में रखा हुआ था, फीड कराती जा रही थी। फीड कराने से भी बहुत रिलैक्स फील करता है, उसे आराम मिलता है, तो कराती जा रही थी, लेकिन अब एक टाइम के बाद में मैं बैठ भी नहीं सकती थी बहुत देर तक। फिर मैंने उसे पैसिफायर दिया और उसके साथ जो उसका फेवरेट पैसिफायर था वही देना पड़ा, नए वाले तो उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए। तो उसे वो प्रॉपर होल्ड कर लेती है बाहर, जो उसका ग्रिप बनाया हुआ है बहुत ही सॉफ्ट सिलिकॉन का बनाया हुआ कीको का है, जो मैंने फर्स्ट में आपको दिखाया था ग्रीन कलर का, वही वाला वो यूज़ कर रही है अभी। और उसे दिया मैंने तो वो उसे लेकर के फटाक से सो गई वो। फिर बहुत देर के बाद वो थोड़ा बहुत हिली डुली थी, तो अगेन मैंने उसको लोरी सुनाई और ये कॉट मोबाइल जो है इसे ऑन किया, तो वो म्यूज़िक के साथ में फिर वो वापस सो गए। उसे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, हल्की हल्की म्यूज़िक चलती रहती है ना और हल्के हल्के से साउंड आते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत ही कोजी फील करती है, रिलैक्स फील करती है और सो जाती है। कल मैं अपडेट नहीं रिकॉर्ड कर पाई और ये जो वैक्सीनेशन इसका हुआ है ये 1.5 मंथ वाला हुआ, यानी कि 45 डेज पे बच्चों का वैक्सीनेशन होता है डिलीवरी के बाद, ये वो वाला था। और इसके बाद अभी 2.5 मंथ्स पे एंड देन 3.5 मंथ्स पे, यानी ढाई और साढ़े तीन महीने पे वैक्सीनेशन होना है। इस नेक्स्ट जो वैक्सीनेशन होगा फिर वो देखते हैं और उसके बाद में भी आपको डिटेल्स बताऊंगी। मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पर डाल ही दी है डिटेल्स, आई होप आपने मिस नहीं किया होगा। जो भी चीज़ें मुझे समझ में आती इमीडिएटली मैं पोस्ट करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एट दैट मोमेंट हेल्प हो ही जाएगी, क्योंकि व्लॉग पता नहीं कब आएगा है ना, तो इसलिए अभी काफ़ी दिन हो जाएंगे जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे, इसके पहले वाले ही एडिट होके पोस्ट नहीं हो पाए हैं। ये जो वैक्सीनेशन था हमें हमारे पीडियाट्रिशन ने बताया कि ये 6-in-1 वैक्सीनेशन है, मतलब कि डिफरेंट डिजीज़ वगैरह जो होती हैं, वायरसेस वगैरह जो होते हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करेगा बेबी को। और ये लेस पेन वाला इंजेक्शन है, मतलब ज़्यादा पेन इसमें नहीं होगा, लगाने के बाद में हल्का ही पेन रहता है जो बियरेबल होता है। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे पेनलेस वाला जो वैक्सीनेशन होता है, तो उन्होंने मुझे साफ साफ कहा कि पेनलेस वाला कोई वैक्सीनेशन है नहीं। हाँ, वैक्सीनेशन होता है जिसमें बच्चों को कम पेन होता है, तो डॉक्टर्स उसे पेनलेस ही कह देते हैं। तो ऐसा था, तो अब लगवाने के बाद का ये फीडबैक रहा कि लगाते समय तो चीकू को पेन हुआ, ऑब्वियसली कुछ इंजेक्ट करोगे तो पेन तो हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पेन फील नहीं हो, और बच्चों को तो होता ही है। लेकिन लगाने के बाद विद इन 30-45 मिनट्स शी वॉज लाइक नॉर्मल, उसको कुछ फील नहीं हो रहा था। और मैं इस बार बिल्कुल डरी नहीं, क्योंकि ये मेरा पहली बार से एक्सपीरियंस था कि डर के कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हिम्मत हमको ही देनी होती है बच्चों को, और हम जितना स्ट्रांग रहेंगे, जितना ज़्यादा हम हिम्मत रखेंगे बच्चों को उतने अच्छे से उतनी ईजली संभाल पाएंगे। तो डरो वरो मत, मम्मी हो और खुश रहो और हिम्मत रखो।
तो बस मैं वही वही जब सोच रही थी और फिर उसी हिसाब से मैंने बेबी को हैंडल किया और अभी तक हैंडल कर रही हूँ। अनिका के कंपैरिजन में चीकू ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया लिटरली, मतलब ये बहुत बड़ी बात है एक छोटे से बच्चे के लिए कि वो इतना ज़्यादा कर रही है। तो इट मीन्स कि वैक्सीन अच्छी रही, उसे सूट करी, टच वुड सूट किया है और आगे भी ऐसे ही रहे, सब कुछ अच्छा अच्छा फीडबैक हमको मिले। एक ओरल वैक्सीन भी थी, ओरल ड्रॉप्स भी थे रोटा वायरस वाले, तो वो भी दिया गया। मतलब वैक्सीन के अलावा जो इंजेक्शन था, इंजेक्शन के अलावा ये ओरल वैक्सीन थी। तो ये दो चीज़ें कल उसे दी गई थी और यही शायद रिपीट होना है, या जो भी होगा तो मैं अपडेट आपके साथ में शेयर करूँगी। एनीवेज आई गेस आपको मेन जो इन्फॉर्मेशन थी वो मिल चुकी होंगी, और जो भी कुछ नया बात मुझे पता चलेगा, अभी वैक्सीन लगी है, अभी फर्स्ट डे ही है, सेकेंड डे है, आज दूसरा दिन मॉर्निंग है, तो आगे देखती हूँ क्या होता है और उसी हिसाब से मैं आपको ब्लॉग में अपडेट करती रहूँगी। अभी हम चिकू की न्यूबॉर्न फोटोज़ जो है वो शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और शॉर्टलिस्ट करके पिक्चर्स देंगे, फिर एडिट होकर के आएंगी एंड देन फ्रेम होकर के आएंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी एडिटेड पिक्चर कैसी थी। अभी मैं जा रही हूँ मेरा ब्रेकफास्ट करने, तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है, एक पार्ट वन पार्ट टू भी होता है इसके बाद। एनीवेज हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? स्माइल नहीं करना है, ऐसे इतनी सारी स्माइल करती रहती हो। अच्छा लग रहा है ऐसे किया तो अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। मैंने आपको बताया कि चीकू को कफ हो गया था, और हम जब डॉक्टर से मिलने गए तो मैंने उनको भी ये चीज़ बताया कि कफ हुआ है बेबी को, और रात में बहुत दिक्कत होती है उसे, और जब तक मैं सिकाई नहीं करती या फिर बाम नहीं लगा दी तब तक उसे सही नहीं फील होता है। तो उन्होंने बोला, क्योंकि घर में सबको वायरल हुआ था, सर्दी जुकाम हुआ था, तो ऑब्वियसली बात है बेबी को तो होना ही है, ट्रांसफ़र होता ही है ये सब चीज़, तो ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेबी का जो कफ होता है ये अपने आप ठीक हो जाता है जब तक कि उसको चोकिंग ना हो। अगर सर्दी ज़्यादा है और नाक जाम हो गई है, चोक हो गई है और चेस्ट पे लग रहा है कि कफ जम रहा है, तभी उस केस में डॉक्टर नेबुलाइजर देते हैं और देने की सलाह देते हैं, अदरवाइज बेबी का जो कफ होता है नॉर्मल कफ, वो अपने आप ठीक हो जाता है। आपकी थोड़ी देर में मालिश हो जाएगी एंड यू विल फील सो गुड। नहीं, मालिश नहीं होगी ना आज, तो आपको वैक्सीन हुआ है, आज तो मालिश नहीं, दो दिन तक मालिश नहीं, कल तक मालिश नहीं होगी आपको, सॉरी। वैक्सीनेशन के बाद नो मसाज। तो डिलीवरी के बाद जहाँ मदर की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, नए बदलाव आते हैं, वहीं बेबी के अंदर भी काफ़ी सारे नए बदलाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही होती हैं, नई नई शुरू हो रही होती हैं, और ऐसे में नई माँ अक्सर ही घबरा जाती हैं, लेकिन उन्हें घबराना नहीं चाहिए और ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, देखी नहीं होंगी, लेकिन बेबीज में ये सब नॉर्मल होता है। मामा को पहचान रही है, मामा को पहचान रही हो क्या? मामा दोबारा मिलेंगे जब बड़ी हो जाओगी। अब मेरे साथ साथ आपके माइंड में भी एक ये क्वेश्चन था, और सभी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा भी कि बेबी अभी 30 डेज की हो गए हैं और 40 डेज के हो गए, 45 डेज के हो गए हैं, और बेबी को पॉटी नहीं हो रही है, एक दिन दो दिन तीन दिन बीत गया है, पॉटी क्यों नहीं हो रही है, क्या रीज़न है एंड ऑल दैट। एक महीने तक तो बच्चों को जो पॉटी होती है, जो मोशन होता है, वो बहुत फ्रिक्वेंट आता है, लाइक 3 से 4 बार, 5 से 6 बार, 8 से 10 बार भी आ सकता है, सब नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही बेबी 1 महीने का हो जाता है, 1 से 5 महीने के अंदर बेबी के शरीर में बहुत बदलाव आते हैं, उसमें से एक जो बदलाव होता है वो मोशन से जुड़ा होता है। वहीं कई बच्चों को इस दौरान जो मोशन होता है वो जल्दी आता है, लाइक 1 दिन में 3 से 4 बार पॉटी होगी, वहीं कुछ बेबीज़ को 1 दिन में 1 या 2 बार या 3 बार ही पॉटी होती है, और वहीं कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं,
और मोशन आता है, तो कई सारे डिफरेंट रीजन होते हैं, इसके बारे में मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। सबसे मेन रीजन जो होता है जिसकी वजह से जो बेबी का मोशन होता है वो इफेक्ट होता है, वो होता है फीड। बच्चे को अगर आप टॉप फीड दे रहे हैं, ऊपर का दूध दे रहे हैं, तो हो सकता है कि बच्चे को जो मोशन है वो कम आए या फिर देर से आए। वहीं अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो मोशन बेबी को आता रहता है। उसमें भी हो सकता है कि बेबी ने इनफ ब्रेस्ट मिल्क नहीं लिया है या फिर जो रूटीन है वो ऊपर नीचे हो गया है बेबी के फीड का, तो इसमें भी बेबी मोशन नहीं पास करते हैं या फिर कम पास करते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपका जो बेबी है वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कर रहा है, जल्दी जल्दी उसको सूसू आ रही है और वो गैस रिलीज कर रहा है, एंड उसे किसी भी और अजीब से पेन वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी रिसेंटली मैंने फर्स्ट क्राई से द मॉम स्टोर ब्रांड के ये दो आउटफिट मंगाए हैं दोनों बेटियों के लिए। अब भाई स्पेशल फेस्टिवल्स आ गए हैं तो स्पेशल ड्रेस तो पहननी बनती ही है, तो मैंने सोचा चलो इस बार ट्विनिंग करते हैं और दोनों को सेम सेम ड्रेस पहनाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब दो सिस्टर्स या दो ब्रदर एक जैसे ड्रेस पहनते थे, स्पेशली टू सिस्टर्स। एंड गर्ल्स की ड्रेसेस तो वैसे ही बड़ी प्यारी प्यारी होती हैं, चाहे ट्रेडिशनल आउटफिट हो चाहे वेस्टर्न आउटफिट हो, और बहुत क्यूट होते हैं। तो ये जो ड्रेस मैंने परचेज करी है ये शरारा टाइप का कॉटन का ड्रेस है, बहुत कंफर्टेबल है और बहुत अच्छा कपड़ा है, और चीकू के साइज का भी मिल गया लकीली जो मैं चाहती थी। इतने छोटे बच्चे का ट्रेडिशनल कपड़ा नहीं मिल पाता है, आपको कस्टमाइज कराना पड़ता है, बट ये मुझे सेम सेम आउटफिट मिल गया। अब इसे पहनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि दोनों जो बहनें हैं वो इसे पहन के कैसी दिख रही हैं। फर्स्ट क्राई पे कपड़े तो काफ़ी अच्छे मिलते ही हैं और रेंज भी काफ़ी सही था, और अभी मॉम ऑफ ऑल सेल चल रही थी, मैंने अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ ये ड्रेसेस परचेज करी हैं और 1800 रुपीज़ में मुझे ये दोनों ड्रेस रिसीव हो गई हैं। सो फाइनली मुझे फिलिप्स अवेन की ये न्यू बॉर्न बेबी बॉटल्स रिसीव हो गई हैं। एक्चुअली ये बॉटल मैं यूज़ तो कर रही थी, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी वाला जो होता है बॉटल ये मुझे नहीं मिल रहा था, मतलब ये साइज़ नहीं मिल रहा था, और इसमें 120 ml समथिंग आ जाता है मिल्क, और इजी होता है न्यूबॉर्न बेबी से साथ में इसे कैरी करने में। बड़ी बड़ी बॉटल्स मुझे समझ में नहीं आती। नेचुरल टीथ बॉटल है, BPF फ्री है, एंड ऑल्सो इसे बेबी एंड मदर के जो ब्रेस्ट वाली फीलिंग होती है उसे ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसलिए बेबी को जब आप इस बॉटल से फीड कराते हो ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ईजिली फीड ले लेते हैं अगर उन्हें लेने की इच्छा है तो। और इसमें आप नॉर्मल फीड ऑफर कर सकते हो, लाइक फॉर्मूला फीड ऑफर कर सकते हो, और अपना मिल्क एक्सप्रेस करके भी आप इस बॉटल के थ्रू ऑफर कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जब से मुझे ये बॉटल मिली है तब से जो मैं मिल्क दे रही थी एक्सप्रेस करके अपना बॉटल के थ्रू वंस इन अ डे, वो मैं इसी बॉटल से बेबी को ऑफर कर रही हूँ। बॉटल की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसलिए आप होल्ड कर सकते हो, ग्रिप अच्छी आती है, लाइट वेट है, और इसे यूज़ करना बहुत आसान है। तो लाइक एनी अदर बॉटल आप इसे वॉश करके स्टरलाइज करके यूज कर सकते हैं। ए चिकू, आज राखी है, आपकी पहली राखी है, आपकी मालिश हो गई है, अब आप फीडी करोगे, फिर उसके बाद आप रेडी होगे। वाह, आज तो आपकी दीदी की पहली राखी है, वाह।